इधर सीसीएल मुख्यालय रांची में सीसीएल के निदेशक श्री हर्षनाथ मिश्रा ने स्ट्रे एनिमल्स के लिए पहले 24/7 पशु चिकित्सा आपात सेवा एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन झारखंड राज्य की राजधानी रांची में 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर रहेगी और सीसीएल के कमांड क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी भ्रमण कर आमजन को जागरूक करेगी। निदेशक मिश्र ने कहा कि कंपनी जानवरों की देखभाल को उच्च प्राथमिकता देती है और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आवारा पशुओं की देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था की जाए, जिससे अगर रोड में पशुओं की दुर्घटना में मौत होती है तो उसे उसी स्थान पर तत्काल सुविधा के मिल सके। व्हीकल का बात की जा रही है तो उसमें बॉक्स होते हैं या फिर जो और सड़कों पर घूमते ऐसे पशुओं के लिए एंटरटेनमेंट करते हैं। देखिए सीसीएल सीएसआर के लिए बहुत कुछ करती है क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं आजकल देखिए बहुत जगह पे स्ट्रे डॉग्स मिल जाते हैं, डॉग बाइट्स भी हो जाते हैं और पता नहीं चलता स्प्लाइज हैं नहीं है क्या है और ये एक बीमारी की तरफ फैल जाती है। तो सीएसआर के तहत इसको कवर करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि कैसे इन लोगों की भी सेवा की जाए। जानवर भी अभिन्न अंग होते हैं सोसाइटी के समाज के, तो उनकी भी देखभाल उसी तरह होनी चाहिए और इसीलिए एक छोटी सी पहल सीसीएल ने की है ताकि हमारे जो गलियों में इधर उधर सड़कों पर घूमते हैं कई सारे रोड एक्सीडेंट्स में हो जाते हैं, डॉग्स को आप इंजर्ड देखते हैं तो उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है वो मर जाते हैं, तो वैसे लोगों को इमीडिएट कुछ सर्जिकल जरूरत है इंटरवेंशन की तो वो भी इससे मिल पाएगी और ये मूवमेंट में रहेगा, ये एम्बुलेंस एरिया में भी जाएगा और जितने भी वहाँ पर जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, इसलिए पहल की गई है। थैंक यू। पशु जाता है जानवर किस तरह के पशुओं की इलाज की संभावना है क्या और किस तरह का फर्स्ट एड क्या फैसिलिटी है? इसमें 24 घंटे रांची में 24 घंटे ठीक है, कोई भी रोड एक्सीडेंट होते हैं डॉक्टर को भी इंजरी होगा मेरा एम्बुलेंस जाएगा वहाँ से लाएगा ट्रीटमेंट होगा ठीक है, गाड़ी में भी सुविधा है वहाँ पर भी सर्जरी भी हो सकती है इन्हीं सुविधा सब चीज़ सर्जरी तो सर्जरी करने के बाद मेरा सेंटर है चुटिया में केतारी बगान में वहाँ पर डॉक्टर किया जाता है डॉक्टर जयपुर।